नमस्कार दोस्तों, मैं आखिरक नितेश आपके अपने YouTube चैनल आर्ट्स पेज पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम देखेंगे 20 फुट बाय 90 फुट के घर के डिज़ाइन को, जो कि एक 3-स्टोरी स्ट्रक्चर है जिसके ग्राउंड पर हमने स्टिल्ड पार्किंग, फर्स्ट पर हमने 3 बेडरूम और सेकेंड पर भी हमने 3 बेडरूम प्रोवाइड किए। अगर इसका फ्रंट एलिवेशन आपको अच्छा लगा हो दोस्तों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों ये एक 3-साइडेड कवर्ड प्लॉट है जिसके लेफ्ट, राइट और रियर तीनों पर ही अदर प्रॉपर्टीज हैं, और ये इस प्लान की डिटेल्स हैं। आप चाहें तो इसको पॉज करके एक बार अच्छे से देख सकते हैं, जिससे आपको इसके नंबर ऑफ रूम्स के बारे में, कवर्ड एरिया के बारे में और प्राइस के बारे में एक अच्छा आइडिया लग जाएगा। प्लान के लिंक्स मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पर जाकर इसको पीएन डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब इसके मेन गेट की तरफ चलते हैं। सो एंट्री करते ही हमें मिलता है एक बड़ा सा पार्किंग एरिया, जो कि है 18.5 फुट बाय 40.5 फुट का, जहां पर आप 2 व्हीलर्स के साथ बहुत आराम से 3-4 गाड़ियां भी पार्क कर सकते हैं। इसके ग्राउंड पर पार्किंग के साथ एक ड्राइंग रूम, एक टॉयलेट और एक स्टोर भी मिल जाता है आपको। ये एज पर रिक्वायरमेंट हमने यहाँ पर एक वाटर फाउंटेन प्रोवाइड किया है, जो कि OTS से बिल्कुल नीचे है। जब हम ऊपर का फ्लोर देखेंगे तो वहाँ पर आपको मैं दिखा दूंगा। और ये है इसका एक बड़ा सा ड्राइंग हॉल, जो कि है 18 फुट 6 इंच बाय 20 फुट 4.5 इंच का, जहां पर आप चाहें तो एक छोटा सा फंक्शन प्लान भी कर सकते हैं। और सीटिंग के बिल्कुल सामने आपको मिल जाती है एक ह्यूज टीवी यूनिट, जिसको हमने फर्दर पीवीसी मार्बल में फिनिश किया। तो ये पीवीसी वर्ड सुन के आपको लोकल वॉल पैनल्स मत समझना, दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट। और ये है इसका कॉमन टॉयलेट, जो कि है 5 फुट 6 इंच बाय 8 फुट का। इसके बिल्कुल ऑपोजिट दूसरी तरफ आ जाता है इसका स्टोर, और इन दोनों के बीच में से यहाँ पर आपको रियर यार्ड में जाने का स्पेस मिलता है, जिसको हमने फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, एक लॉन्ड्री के लिए और दूसरा ग्रीन एरिया के लिए। और इसके रियर से आप देख सकते हैं ऊपर का व्यू, ये किस तरीके से दिखेगी बिल्डिंग। चलिए अब चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ और देखते हैं ऊपर की प्लानिंग एंड डिजाइनिंग। उस ऊपर आते ही आपको एक एंट्रेंस फॉयर एरिया मिल जाता है, जहां पर आप चाहें तो शू रैंक रख सकते हैं या फिर कुछ डेकोरेटिव आइटम यहां पर प्लेस कर सकते हैं। और इसके साथ ही आपको मिल जाती है एक मॉड्यूलर किचन, जो कि है 8 फुट 1.5 इंच बाय 10 फुट की। कमेंट्स करके प्लीज बताना कि ये कलर आपको कैसा लगा। किचन के जस्ट साथ ही आ जाता है इसका बेडरूम नंबर 1, जो कि है 12 फुट बाय 14 फुट 4.5 इंच का, कंपैरेटिवली एक बड़ा बेडरूम है, जिसके बैकड्रॉप पर हमने वॉल पैनल्स प्लस वॉलपेपर का यूज किया है, और इसी में ही आपको एक स्टडी टेबल भी मिल जाता है। और यह है इसकी एक बड़ी सी बालकनी, जो कि है 5 फुट वाइड, जहां पर आप बैठकर आराम से बाहर का व्यू एंजॉय कर सकते हैं। ये व्हाइट पैनल्स जो एक्चुअल में आप देख पा रहे हो, ये बेसिकली ACP में हमने फिनिश किया है। सो अगेन बेडरूम में चलते हैं, तो ये आ जाता है इसका अटैच ड्रेसिंग एरिया, जो कि है 6 फुट 1.5 इंच बाय 6 फुट का। और इसके साथ ये है अटैच टॉयलेट, जो कि है 6 फुट 1.5 इंच बाय 8 फुट का। आप चाहें तो इसके शावर एरिया को फर्दर ग्लास लगाकर कवर कर सकते हैं। और ये स्टेयरकेस का दूसरा पोर्शन है, जहां पर हमें लिविंग कम डाइनिंग एरिया मिलता है, जो कि है 15 फुट बाय 12 फुट का।
इस सीटिंग के पीछे आप जो ग्लास देख पा रहे हो ये एक्चुअल में OTS एरिया है 5 फीट बाय 3 फीट का फॉर द एयर सर्कुलेशन। जब हम आगे फर्दर टेरेस पर जाएंगे तो वहां पर आपको मैं दिखा दूंगा किस तरीके से हमने इसको कवर किया है। इसके स्टेकेस को हमने मेटल एंड वुडन से फिनिश किया है, मीन्स अंदर इसके मेटल है और ये बाहर आपको वुडन फिनिश दिखती है। और ये है इसका बेडरूम नंबर 2 जो कि है 9 फुट x 15 फुट का। और इस बेडरूम में ही आपको एक स्टडी टेबल भी मिल जाता है। बेडरूम के साथ ये है इसका ड्रेसिंग एरिया जो कि है 5 फुट x 5 फुट का। और फर्दर यह है अटैच टॉयलेट 5 फुट x 8 फुट का। अब इस बेडरूम से बाहर चलें तो देखते हैं इसके बेडरूम नंबर 3 की तरफ जो कि है 8 फुट x 7.5 इंच बाय 15 फुट। और इसी साइज में आपको वार्डरोब भी मिल जाती है। और बेडरूम के जो साथ ही हमने एक अलग से स्टडी एरिया भी बनाया है जो कि है 6 फुट x 5 फुट x 4.5 इंच का। और यह है इसका अटैच टॉयलेट 5 फुट x 8 फुट का। इस बेडरूम के साथ अपनी एक डेडिकेटेड बड़ी सी बालकनी भी है जो कि है 5 फीट वाइड। इसका सेकंड फ्लोर एक्चुअल में सेम ही है जैसा हमने फर्स्ट में देखा, सो हम उसे रिपीट नहीं करेंगे और डायरेक्ट जाएंगे टेरेस की तरफ। और ये है इसका टेरेस गार्डन जहां पर हमने ऊपर एक काइंड ऑफ फाउंटेन प्रोवाइड किया है। और ये वो OTS का स्पेस है जिसको हमने ऊपर फर्दर फाइबर से कवर कर दिया है सो दैट कि ये रेनफॉल से इफेक्ट ना हो। ये ग्रीन कलर जो आप एक्चुअल में देख पा रहे हो ये ग्रीन नेट है सो दैट कि यहाँ पर हम एक इंडोर प्लांट्स भी प्लेस कर सकें। इसके पीछे का स्पेस हमने वाटर टैंक्स के लिए डेडिकेट कर दिया है। इन टैंक्स की पोजीशन बेशक अलग अलग हैं, बट पाइप्स के थ्रू ये इंटरकनेक्ट होंगे। वीडियो कैसी लगी दोस्तों प्लीज कमेंट्स करके हमें जरूर बताएं। और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब के साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें। प्लान के लिंक्स मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर जाकर इसको PN डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।